नमस्ते वेलकम टू डे टू ऑफ टेन डेज ऑफ कोपर्निटी सीरीज तो लास्ट टाइम हमने वन कंट्रोल प्लेन या मास्टर एंड सेवरल वर्कर नोट देखा था बट वॉट इफ़ मास्टर नोट किसी रीजन से डाउन हो जाए पूरा क्लस्टर ही डाउन हो जाएगा तो हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तो ऐसा नहीं चलेगा तो हम कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि हम रिडेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए तो रिडेंडेंसी मतलब हो गया कि आपने मास्टर uh, नोट के मल्टीपल कॉपीज बना लिए तो समथिंग लाइक like, ये मास्टर नोड वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड एम फाइव ठीक है आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर फाइव तो फाइव नोट्स बना लिया और इसके आगे हमने एक लोड बैलेंसर लगा दिया ये कुछ भी हो सकता है एच ए प्रॉक्सी हो सकता है एफ फाइव इन जन एनी थिंग सो सपोज लेट्स टेक की ये एच ए है HAProxy. ठीक है तो अब ये जो लोड बैलेंसर है ये इसके लिए बैकेंड्स क्या हो जाएंगे मेरे ए सर्वर आई सर्वर हर मास्टर नोट के पास अपना एक ए सर्वर होगा और हर ए सर्वर का आ, इसका क्या हो जाएगा बैकेंड हो जाएगा इस लोड बैलेंसर का ठीक है अब ऐसा भी तो हो सकता है अभी हमने बात करा कि मास्टर नोड एक ही था वो फेल हो सकता है बट अभी हमारा एच ए प्रोक्सी जो लोड बैलेंसर है वो खुद भी तो फेल हो सकता है यही फेल हो गया देन तो हम हाई अवेलेबिलिटी के लिए लोड बैलेंसर के हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सो वट वी डू इज या हम जो चीज कर सकते हैं वट वी कैन डू इज कि हम आ, एक और इसका रिटर्नसी क्रिएट करते हैं एक और कॉपी बनाते हैं एच ए प्रोक्सी का लोड बैलेंसर एक और बनाएंगे और इन दोनों के साथ में हम लोग कीप अलाइव डी का यूज करेंगे फेल ओवर के लिए तो बेसिकली हमारे पास आ, दो लोड बैलेंसर हो गए तो सपोज ये वाला हमारा एक्टिव लोड बैलेंसर है और ये वाला मेरा पैसिव लोड बैलेंसर है ठीक है दोनों के ही करेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ, ये पांच मास्टर नोड्स बैकेंड्स होंगे इनके एपीआई सर्वर्स हमारे बैकहेंड होगा बट जब ये वाला अगर मेरा लोड बैलेंसर फेल कर जाता है किसी भी कारण से तो जो दूसरा वाला लोड बैलेंसर है ये वाला एल बी टू है जो पैसिव में बैठा है वो मेरा एक्टिव हो जाएगा ओके okay? तो बेसिकली इसमें हमने दो चीज़ें यूज करी यहाँ पे एक हमने यूज करा है कीप अलाइव डी ये सर्विस होती है फेलोवो के लिए हमने यूज करा इसे फेलोवो ऑफ दी एल बीज एंड जो दूसरा हमने यहाँ यूज़ करा है दैट इज़ एच ए प्रोक्सी ये हमने लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करा है टू माई बैक एंड्स ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो या लोड बैलेंसिंग जो भी बोल रहे ओके तो आई गेस यू गॉट दिस आइडिया कि हम प्रोडक्शन में कैसे करके सेटअप कर सकते हैं लोड बैलेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मल्टी मास्टर कैसे हो रहा है तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल मास्टर नोड्स हैं इसके अंदर जो हमारे मास्टर नोड के कंपोनेंट्स थे uh, उसमें कैसा करके हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ थी वी हैव एपीआई सर्वो एपी आई सर्वर क्या है स्टेटलेस है राइट right? तो ये रिक्वेस्ट को सेमिलटेनियसली प्रोसेस कर सकता है और इसमें क्योंकि कोई डेटा भी नहीं है तो कोई डेटा लॉस का भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो इसकी एपीआई सर्वो की मल्टीपल कॉपीज यहाँ 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 और यहाँ पे हो सकती है ठीक है नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं एच सी डी एच सी डी डेटा स्टोर ये डेटा बेस है स्टेटफुल है तो इसमें हमारा डेटा है मेटा क्लस्टर uh, का डेटा मेटा डेटा कॉन्फ़िग डिजायर्ड स्टेट क्या होना चाहिए uh, मेरे रिसोर्सेज का वो सारा कुछ स्टोर्ड है राइट right? अब हम अगर एक ऐसे डेटा बेस को अगर हम मल्टीपल कॉपीज स्टोर करते हैं अलग अलग मास्टर नोड में भी कर सकते हैं या फिर इसका एक अलग से सेट ऑफ नोड्स भी आप बना सकते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है तो हम देखेंगे कि कोम्युनिटीज कैसे आ, आगे चल के हम देखेंगे कि कोम्युनिटीज कौन सा एल्गो यूज कर रहा है या कैसे करके वो आ, इसको सॉल्व करता है ओके वन थिंग अबाउट एच सी डी डेटा स्टोरेज कि ये फुल्ली रेप्लीकेटेड होता है मतलब कि अगर ये फाइव uh, अगर सपोज हमने फाइव ही फाइव uh, हमारे पास एच सी डी के इंस्टेंसेज हैं तो हर uh, हर इंस्टेंस में हमारे पास सेम डेटा कॉपी होगा ठीक है दैट इज अ फुली रेप्लीकेटेड थिंग ओके और देखते कॉम्पोनेंट्स और है हमारे पास कंट्रोलर मैनेजर और हमारे पास स्केड्यूलर है स्केड्यूलर क्या कर रहा था वर्कलोड्स को नोड असाइन कर रहा था कि जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि पॉड क्रिएट करना है तो ये पॉड कौन से नोड में जाएगा वो इधर से हो रहा था नोड असाइनमेंट राइट और कंट्रोलर मैनेजर क्या कर रहा था वो देखता है कि हमारा जो डिजायर्ड स्टेट ऑफ क्लस्टर है वो इंश्योर हो रहा है कि नहीं राइट right? जैसे आ, जैसे रेप्लिका सेट का हम लोग ने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था तो अब अगर इसका मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे रन हो रहे हैं मतलब हर मास्टर में एक एक यूनिट तो हो गई राइट right? अब हर आ, इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे रन हो रहे हैं इन ईच मास्टर तो उनको आपस में कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा वरना पता चला कि रिडंडेंट टास्क कर रहे हैं राइट right? तो रिटन ऑपरेशन को बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो बेसिकली जो है राफ्ट uh, यूज करता है uh, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस एल्गोरिदम है ठीक है अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली एच सी डी या कंट्रोलर मैनेजर हर चीज़ के लिए इट्स इट इज़ यूजिंग राफ्ट एल्गोरिथम सो लेट्स लुक इन टू राफ्ट एल्गोरिथम तो सपोज हमारे पास फाइव इंस्टेंसेस हैं एच ई डी के सो नोड नंबर वन नोड टू नोड थ्री फोर एंड फाइव इनमें से हमारा कोई एक पर्टिकुलर नोड लीडर होगा लेट्स जस्ट से कि ये लीडर है अगर ये लीडर है तो बाकी सारे जो नोड्स हैं, वो मेरे फॉलोअर है ये सारे फॉलोअर्स है और ये वाला लीडर है ठीक है तो एच सी डी जैसा हम देख रहे थे तो वो डेटा कैसे स्टोर कर रहा है की वैल्यू के पेयर में राइट right? तो इसमें डेटा जो है वो लॉग में स्टोर होता है डेटा इज स्टोरड इन द फॉर्म ऑफ लॉग और हर ऑपरेशन जैसे सपोज uh, मैंने बोला कि uh, कोई किसी पर्टिकुलर की की है की सपोज़ टू है इसका वैल्यू को मेरे को चेंज करना है टू फाइव अपडेट है ठीक है कोई अपडेट है या कोई क्रिएशन है या कोई भी ऑपरेशन डिलीशन ऑपरेशन है तो जितने भी ऑपरेशन है वो हर एक ऑपरेशन मेरा लॉग में एक एक लाइन ऐड होती चली जाती है अपेंड होते चला जाता है लॉग में और हर ऑपरेशन के करिस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स नंबर होता है तो ये इंडेक्स वन टू थ्री ऐसे करके एक टेबलो फॉर्म में एक एक करके अपेंड होता है सपोज यहाँ पे मुझे आ, मुझे ये वाला करना था कि अपडेट करना है तो ये वाला मेरा लास्ट सबसे जहाँ तक वैल्यूज पड़ी हैं उसके नेक्स्ट एंट्री में मेरा ये नया इंडेक्स नंबर पे ये की वैल्यू जो है लॉग में स्टोर हो जाएगी ठीक है तो हम एग्जांपल लेते एक तो सपोज मुझे की फाइव और वैल्यू फाइव ये क्रिएट करना है ठीक है और मेरे पास अभी तक लॉग्स लॉग log में टेन ऑपरेशन हैं या फिर टेन ऑपरेशन अभी तक हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं इन माई एच सी तो बेसिकली टेन ऑपरेशन अगर हो चुका है तो अभी वाला के लिए मेरे पास इंडेक्स क्या होगा टेन प्लस वन इलेवन की क्या है फाइव सॉरी डेटा हमारे पास एंट्री क्या है की फ़ाइव वैल्यू फाइव और सपोज लाइक टर्म हमारे पास वन है टर्म हम देखेंगे कि क्या होता है टूअर्ड्स दी एंड ओके तो हमारा बेसिकली क्या होता है ये लीडर के पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये वाला क्रिएट करना है ये रिक्वेस्ट इसके पास लीडर के पास आई है अभी कंसेंसस प्रोसेस में क्या होगा सो देर इज समथिंग नोन एज कंसेंसस प्रोसेस तो कंसेंसस प्रोसेस में क्या होगा लीडर अपना इंफॉर्मेशन मतलब ये वाली एंट्री जो करंट उसको अपडेट करवानी है बाकी फॉलोअर्स को तो ये इंडेक्स इलेवन वाली एंट्री एंड अलोंग विद प्रीवियस एंट्री मतलब इंडेक्स नंबर टेन वाली एंट्री ये दोनों एंट्रीज वो सारे फॉलोअर्स को सेंड कर देगा इसको 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 और इसको अब क्या है फॉलोअर्स जो हैं वो देखेंगे कि उनकी जो करेंट एंट्री है मतलब अभी अपडेट नहीं कर रहा है अभी करेंट एंट्री सपोज़ इसके पास इंडेक्स नंबर टेन की है आ, इसके पास भी सपोज़ इंडेक्स टेन है ये वाला नोट सपोज बीच में ऑफ हो गया था अभी वापस से ऑन हुआ है और इसके बीच के लॉग्स जो है वो मिसिंग है उस वजह से और ये सपोज इंडेक्स नंबर एट पे बैठा है आ, इसकी लास्ट एंट्री जो अभी है वो इंडेक्स एट पे है और नोट नंबर फाइव में भी सपोज टेन है ठीक है तो अभी क्या करा फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि लीडर ने अपना प्रीवियस एंट्री और करेंट एंट्री सबको भेज दिया अब सारे नोट्स क्या करेंगे अपना चेक करेंगे फॉलोअर्स अब कि उनका जो करेंट एंट्री है मतलब ये इंडेक्स नंबर टेन यहाँ जो इसके पास लॉग में लिखा है ये एंट्री क्या मेरी जो यहाँ लीडर से इंफॉर्मेशन आया उसका प्रीवियस एंट्री दिस इज़ प्रीवियस एंड दिस इज माई जो हमें चेंज करना है दिस इज माई करेंट ठीक है तो प्रीवियस एंट्री और मेरी खुद की फॉलोअर की खुद की करेंट एंट्री अगर सेम इंडेक्स है तो वो अपेंट कर देगा मतलब जैसे नोट टू के लिए अगर हम देख रहे हैं तो नोट टू ने देखा कि उसका इंडेक्स क्या था लास्ट लॉग में टेन पड़ा हुआ है प्रीवियस यहाँ पे उसको लीडर से क्या मिल रहा है टेन ही है तो चलो सही है अब वो क्या करेगा मतलब इसके पास लॉग जो है अपडेटेड है अब ये नीचे अपना नया जो लॉग है इंडेक्स इलेवन वाला अपेंड करेगा और एक्नॉलेज भेज एक्नॉलेज कर देगा लीडर को आ, देन एक्नॉलेज लीडर कि उसने आ, डेटा जो है अपेंड कर दिया है सिमिलरली एन थ्री भी अपना एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और एन फोर नहीं भेज पाएगा वो एक एरर भेजेगा क्यों एरर भेजेगा क्योंकि उसके पास इंडेक्स क्या है यहाँ पे एट है वो प्रीवियस इंडेक्स से तो मैच नहीं कर रहा 10. तो मतलब इसके पास डेटा जो है स्टेल डेटा है पुराना डेटा है। तो एन फोर क्या है वो एरर भेज देगा कि मेरे पास पुराना डेटा है मेरा मैच नहीं हुआ तो ऐसे केस में अगर एरर आई तो मास्टर क्या आ, मास्टर नहीं लीडर लीडर क्या करेगा एक एंट्री ऊपर लॉग प्रीवियस माइनस वन और प्रीवियस वाली एंट्री उसको वापस से भेजेगा तो मतलब अब वो भेजेगा आ, उसको भेजेगा इंडेक्स नाइन और इंडेक्स टेन ठीक है बोलेगा चलो अब इसको अपडेट करो अच्छा अब फिर आ, इसने देखा कि अभी भी मैच नहीं कर रहा मेरे तो इंडेक्स एट में बैठा हो ये मेरे को प्रीवियस एंट्री नाइन दे रहा है फिर ये एरर भेजेगा फिर ये क्या करेगा लीडर अब इंडेक्स एट और इंडेक्स नाइन भेजेगा अब इस बारी इसका नोड नंबर फोर और जो लीडर ने इंफॉर्मेशन प्रीवियस वाली भेजी एट वो मैच हो गई अब वो इंडेक्स नाइन अपेंड करेगा और अपना एक्नॉलेजमेंट लीडर को भेजेगा ठीक है ओके okay. ये तो हो गया इन फोर के लिए जब एरर आ रही है जब आपका स्टेल डेटा है और नोट थ्री नोट फोर ने एक भेजी थी और एन फाइव के आए वो भी एक भेजते भेज देगा लीडर को क्योंकि उसके पास भी भी अपडेटेड था और उसने अपना नया अपेंड करा इंडेक्स टेन लिखा नया लाइन डाल दिया यहाँ पे लॉग में और फिर उसको एक, एक नॉलेजमेंट भेज दिया ठीक है अब जब सारे एक्नोलेजमेंट आ, आ जाएंगे लीडर के पास बेसिकली लीडर ना सारे एक्नॉलेजमेंट्स का वेट नहीं करेगा कि सारे रिस्पॉन्सेज आ जाए मेरे पास फॉलोअर्स है तब मैं आगे बढ़ूंगा लीडर क्या करता है लीडर के पास जब मेजॉरिटी एक्नॉलेजमेंट्स आ जाते हैं फॉलोअर्स मतलब मेजोरिटी कोरम uh, बोलते हैं इसको वी विल लुक इनटू दिस तो जब लीडर के पास मेजोरिटी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो वो अपना डेटा स्टोर मतलब जो उसका लॉग है उसमें वो चेंज करेगा मतलब अब वो फाइनली कमिट कर देगा कमिट चेंज बाय लीडर आफ्टर मेजॉरिटी एक्नॉलेजमेंट ओके फ्रॉम फ्रॉम फॉलोअर्स अपने में फाइनली uh, वो कमिट करेगा चेंज कि ये मेरी फाइनल एंट्री है और ये एंट्री अब वो फॉलोअर्स को बोलेगा कि तुम भी कमिट कर दो सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज योर कंसेंसस प्रोसेस ऐसे आपका कंसेंसस प्रोसेस काम करता है ठीक है अभी हमने कोरम वर्ड यूज करा लेट्स लुक इनटू दैट तो बेसिकली कोरम इज कोरम uh, को अगर डिफाइन कर करना है तो इट इज मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट मस्ट अग्री फॉर सिस्टम टू मेक सम डिसीजन और इसका वैल्यू बेसिकली फ्लोर ऑफ एन बाई टू प्लस वन होता है वी शुड टेक ऑर नंबर ऑफ नोट्स लेट्स आई एम सेइंग वी शुड टेक ऑर नंबर ऑफ नोड्स ओनली ठीक है तो एक एग्जांपल लेते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिक्स नोट्स सपोज मेरे पास फाइव नोट्स जैसे हम ऊपर ले रहे थे हमारे पास सिक्स नोट्स हैं फाइव नहीं है तो सिक्स नोट्स में क्या होगा मेरा कोरम कितना हो जाएगा कोरम विल भी सिक्स बाई टू फ्लोर प्लस वन विच इज फोर तो एटलीस्ट फोर नोट्स मुझे चाहिए टू अग्री टू फॉर्म कोरम एंड कमिट चेंज जो चेंज कमिट करना है हमें उसको करने के लिए हमें एटलीस्ट फोर नोट्स की ज़रूरत है हमारे पास फॉल्ट टरेंस देख लेते हैं फॉल्ट टर्म कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं सिक्स माइनस फोर राइट टू तो हम बस दो ही नोड फेलियर्स uh, को एक्सेप्ट कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि uh, दो से ज़्यादा अगर फेलियर हो जाएगा तो हमारा कोरम रीच नहीं हो पाएगा राइट right? कोरम के लिए एटलीस्ट फोर तो चाहिए ही तो यही अगर हमने नंबर ऑफ नोड्स ये जैसे हमने इवन लिया इसी की जगह अगर हमने फाइव नोड्स लिए होते और लेते देन देन हमारे पास कोरम कितना होता फाइव बाई टू प्लस वन दिस इज़ थ्री एंड फाइव माइनस थ्री इक्वल टू टू तो इसमें भी फॉल्ट टॉलरेंस कितना है 2 टू का है कोई नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाने से हम हमने रिसोर्सेज तो बढ़ाया लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस के परस्पेक्टिव से कोई चेंज नहीं हुआ फालतू में हमारा कॉस्ट बढ़ गया ओके okay. और आ, तीसरा पॉइंट देखते हैं मेजॉरिटी डिसीजन का तो जब आप नंबर ऑफ नोट्स इवन लेते हो जैसे इवन लिया है सिक्स तो कोई भी डिसीजन मेकिंग में अगर इवन नंबर होता है तो वह इट कैन हैपन ना कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डिवाइड हो जाए इक्वली तो डिसीजन मेकिंग मेरा इसको स्प्लिट ब्रेन सिनारी बोलता है तो डिसीजन मेकिंग भी मेरा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है नंबर ऑफ़ नोट्स बढ़ाने से इवन करने से तो बेसिकली हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे ईवेंट करने नंबर ऑफ नोट्स अगर हम इवेंट कर रहे हैं तो हमारा एक तो फॉल्ट टॉलरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारी कॉस्ट बढ़ रही है और कॉस्ट बढ़ रहा है डिसीजन मेकिंग पुअर हो रहा है सो दिस इज़ वाई वी वॉन्ट और नंबर ऑफ नोट्स ओके तो अब हमें यह भी समझ में आ गया नाउ लेट्स मूव ऑन टू टू चेक वॉट इफ लीडर डाइज अभी हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास लीडर था वही सारे डिसीजन ले रहा था वही uh, उसी कोई चेंजेस करना था तो वो अपने फॉलोअर्स को नया इन्फॉर्मेशन भेज रहा था पुराना भेज रहा था अपडेट करवा रहा था वो सारी चीजें कर रहा था बट अब लीडर अगर मर जाता है या फेल हो जाता है डाई हो जाता है तो क्या क्या होगा तो हमें एक आ, कोई जो बचे हुए बचे हुए मेरे पास उनमें से किसी को हमें लीडर बनाना पड़ेगा राइट बट फॉलोअर्स को पता कैसे चलेगा कि लीडर डाई आ, लीडर अभी एक्टिव नहीं है लीडर इ, लीडर इज डेड वो पता करने के लिए जो आपका लीडर वाला नोड है एन वन है जैसे हमारे केस में तो लीडर नोड क्या है फोर टाइम टू टाइम हार्ट बीट भेजता है हार्ट बीट सेंड करता है टू फॉलोअर्स ठीक है बताते हैं कि मैं जिंदा हूँ तो फॉलोअर्स को पता रहता है कि वो एक्टिव है बट और, uh, और हर फॉलोअर के पास एक टाइम आउट होता है मतलब एक टाइम आउट पीरियड तक वो वेट करता है उसके बाद भी अगर उसे हार्ट बीट नहीं मिलती तो फॉलोअर को कंफर्म हो जाता है कि जो नोड है जो लीडर है वो डेड है ठीक है और ये हर फॉलोअर के लिए डिफरेंट टाइम आउट भी हो सकता है या सेम टाइम आउट भी हो सकता है तो जब कंफर्म हो जाता है कि लीडर मेरा फेल हो गया उस टाइम पर फॉलोअर जो है वो अपने आप को कैंडिडेट बना देता है ठीक है और अगर मल्टीपल फॉलोअर्स थे जैसे फॉलोवर वन और सपोज फॉलोअर थ्री इन दोनों के टाइमआउट अगर सेम थे तो ये दोनों के दोनों ही दोनों को एक ही टाइम पे पता चलेगा कि लीडर मेरा डेड है तो ये दोनों के दोनों ही मेरे फॉलोअर्स वन कॉमर थ्री ये दोनों ही दोनों मेरे कैंडिडेट बन जाएंगे अब ये कैंडिडेट नोट्स जो है ये बाकी फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे वोट दो मुझे जिताओ मैं लीडर बनना चाहता हूँ अब मेजॉरिटी वोट मिलने पर कैंडिडेट जो है फुल लीडर बन जाता है तो जिस भी आ, जिस भी कैंडिडेट को वन या थ्री जिस भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट मिलता है वो जो है नया लीडर बन जाता है ठीक है हमने ऊपर एक टर्म यूज करा था एक ये यहाँ पे लॉग के टाइम पे भी सौ ना कि ये हम टर्म यूज कर रहे थे तो बेसिकली टर्म ना एक आर्बिट्री वो है टाइम स्टेप है या टाइम पीरियड है कि जब भी हमारा लीडर चेंज होता है तो टाइम पीरियड मेरा प्लस वन हो जाता है तो जब ये नया लीडर सपोज फ़ॉलोअर नंबर नम, नंबर थ्री बना था तो अभी मेरा टर्म जो है प्लस प्लस हो जाएगा मतलब यहाँ पे टर्म टर्म अगर अभी मेरा, आ, था, तो अभी मेरा मेरा था तो वो टर्म जो है है हो जाएगा ठीक है? हमने कंसेंसस एल्गोरिथम में देखा कि कोरम मिलने पर हमारा अपडेट हो जा रहा है वैल्यू लॉग अपडेट डेटा स्टोर अपडेट हो रहा था बट अभी हम जैसे इलेक्शन में देख रहे हैं कि आ, कोई इलेक्शन uh, में देख रहे हैं जैसे कि कोई भी हमारा कैंडिडेट uh, जो है जिसके uh, जिसके पास स्टेल डेटा है वो भी तो हमारा लीडर बन सकता है फिर हमारे लीडर के पास स्टेल डेटा आ जाएगा तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फॉलोअर जो है जब फॉलोवर वोटिंग कर रहा होता है कैंडिडेट के लिए तो वो ऐसे कैंडिडेट को कभी वोट नहीं करता जिसका लॉग का लेंथ लॉक का लेंथ के खुद के लेंथ से छोटा हो मतलब लॉक का लेंथ क्या था मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन हम हर लाइन पे एक एक करके अपेंड कर रहे थे तो अगर लॉक का लेंथ मेरा बड़ा है तो मतलब उसके पास रिसेंट डेटा है राइट तो अगर लॉक का लेंथ मेरा छोटा है किसी कैंडिडेट का मेरे खुद के लॉक के लेंथ से तो मतलब कि उसके पास स्टेल डेटा है राइट तो ऐसे कैंडिडेट को कोई भी फॉलोअर ऐसे कैंडिडेट को फॉलोअर जो है वो वोट नहीं देगा तो ऐसे राफ्ट एल्गोरिदम जो है वो इंश्योर करता है कि आपका जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होल्ड करने वाला नोट जो है वही आपका लीडर बने ओके सो देर इज वन लास्ट पॉइंट दैट दैट आई वांट टू कवर हियर एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम जो हमारा क्लाइंट है वो अभी रिक्वेस्ट कर रहा था हमारे नोट्स पर राइट एन वन एन टू एन फाइव ये एच सी डी वाले नोट्स हैं सपोज तो वो किसी भी नोट से क्वेरी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको लीडर से ही क्वेरी करना है अब नाउ यू कैन से कि वो स्टेल वाले से क्वेरी कर लेगा उसको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मतलब सपोज उसने रीड रिक्वेस्ट करी बोला कि एन फाइव से पूछा उसके पास स्टेल डेटा पड़ा था सपोज़ उसके पास था कि आ, की वन इज इक्वल टू फाइव पड़ा था ठीक है और एक्चुअल में जो अपडेटेड है वो सपोज टेन है तो इसने नोट नंबर फाइव से पूछा कि आ, रीड इससे ही क्वेरी आ गई कि मेरे को आप की वन का वैल्यू रीड करके बताओ कि क्या वैल्यू है तो नोट फाइव क्योंकि फॉलोअर है वो लीडर से पूछेगा कि रीसेंट वैल्यू क्या है इसकी की लीडर इसको रिप्लाई देगा नोट फाइव को और नोट फाइव वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा वो डायरेक्टली क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ऐसे क्या हुआ कि हमारे पास स्टेल डेटा जो पास हुआ वो नहीं हुआ मतलब हमारे पास जो स्टेल डेटा है वो क्लाइंट uh, को पास नहीं हुआ ओके सो आई गेस कवर्ड सो मच टुडे एंड या दैट्स इट फॉर टुडे और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके और आपके डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करना धन्यवाद